नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं जानता हूं संडे को आपको राजीव जी का ज्योतिष वाला प्रोग्राम देखने का बड़ा इंटरेस्ट रहता है और बहुत संख्या में लोग देखते हैं। मैं देख रहा हूं कि पिछले संडे को हमने जो प्रोग्राम किया वो 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। और जब राजीव जी का प्रोग्राम होता है तो दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से मेरे पास मेल आते हैं। मेल आईडी आप देख ही रहे हैं, इस मेल आईडी पर लगातार मेल आते हैं। दुनिया भर के लोग राजीव जी से संपर्क करना चाहते हैं, उनका प्रोग्राम उनको अच्छा लगता है। ज्योतिष का प्रोग्राम है, मैं हर बार की तरह आपसे फिर कहूंगा कि अगर आपका ज्योतिष में यकीन हो तो ये प्रोग्राम देखिए, और ज्योतिष में यकीन ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मेरा इस प्रोग्राम से, मैं एक होस्ट हूँ, बाकी सारी बातें राजीव जी की हैं। उनकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी सही भी हुई हैं, कुछ गलत भी हुई हैं, लेकिन ये अपना आकलन है। आपको रुचि हो तो देखिए, वरना मत देखिए। और आप सबका प्यार है कि सारे प्रोग्राम इसमें यूट्यूब पर इतने देखे जा रहे हैं 4PM। पिछले दिनों NDTV ने मुझे बुलाया केवल इसलिए कि मैं भारत में नंबर वन था पॉलिटिकल कमेंटेटर में। और जो पिछले महीने डाटा आए थे उसमें 15.5 करोड़, दो महीने से हम लोग लगातार नंबर वन है। 10.5 करोड़ व्यू आए थे तो हम नंबर वन थे, फिर हमारे व्यू 15.5 करोड़ हो गए। और कल मैं सोशल ब्लेड पर देख रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि 21-22 करोड़ पिछले 28 दिनों में। तो मैं अपने दोस्त से मजाक कर रहा था कि 28 दिनों में 21-22 करोड़ व्यू आए हैं मेरे चैनल पे। जितना भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में वोट मिला उतने व्यू मेरे चैनल पे थे। तो किसी भी पत्रकार के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सिर्फ 28 दिनों में 22 करोड़ व्यू आ जाए उसके चैनल पे। ये मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, सिर्फ आपका प्यार, आपका भरोसा है। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी से, बिना किसी डर के, दबाव के, मैं सच बोलूँगा जरूर। सरकार को जितने प्रयोग करने थे मेरे पास वो कर चुकी, वो जांचें, हमले, सब कुछ हो चुके, लेकिन मेरा सच बोलना, सरकार से सवाल करना ना छूटा है, ना छूटेगा कभी। आपसे रिक्वेस्ट है ये कि आप इस मेल आईडी पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं व्यक्तिगत, आप जब मेल करें तो कृपया करके अपना नाम, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, फ़ोन नंबर ये जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे समय मिलेगा लोगों से संपर्क करने का। और मैंने पहले भी कहा है कि अमेरिका का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है दुनिया के, तो मैं उस चुनाव पे थोड़ा शोध भी कर रहा हूं। तो खास तौर से अमेरिका के जो दर्शक देखते हैं, अगर आप इस मेल आईडी पे अपना नाम, अपना पता, फ़ोन नंबर भेजेंगे तो मैं आपसे कुछ बातचीत करके कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को समझने की कोशिश करूंगा। चलते हैं राजीव जी के पास। क्या जबरदस्त भविष्यवाणियां की इस बार, तो उन्होंने बिल्कुल प्रवचन की तरह मुझसे बात करी है। मतलब वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम में बड़े खुश थे, प्रफुल्लित थे। उन्होंने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के बारे में विस्तार से बात करी। केजरीवाल की कुंडली में प्रधानमंत्री का भी योग है, ये बात आज उन्होंने इंटरव्यू में की। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल खुलासे हैं, मेरे रिक्वेस्ट है समय निकालिएगा, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, फिर मेल करिएगा। चलते हैं राजीव जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। कमाल हो गया आपका, पिछले संडे को हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, एक हफ्ते में 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। आप तो सुपर डुपर हिट हो रहे हैं, 7 दिनों में 20 लाख से ज़्यादा। कम से कम 400 मेल आए हैं मेरे पास, जवाब देते देते थक गया हूँ। विदेशों से मेल बहुत हैं, शायद ही कोई बड़ा देश होगा जिसके 10-15 मेल आपके फ़ोन नंबर के लिए नहीं आए होंगे। तो इतना कमाल कैसे होता है? आप फ़ोन जो आते होंगे, मैं ही कम से कम 500 लोगों को फोन नंबर दे चुका हूँ, मैनेज कैसे कर पा रहे हैं आप? ये तो देखो, सब हनुमान जी ने ये शक्ति दे रखी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन ये जो बहुत अच्छा लगता है कि वास्तव में मुझे ये आश्चर्यचकित करता है कि इतने सारे मिलियन व्यूज जो हमको मिले हैं। और जब मैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को यूट्यूब पे देखता हूँ तो उनके किसी के 2000, किसी के 6000, किसी के 8000 जब व्यूज होते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई देश मेरे ऊपर, देशवासी मेरे ऊपर कितना भरोसा करने लगे हैं। और ये सब चीज़ें संजय जी मुझे निरंतर जो है और मेहनत करने के लिए और कमिटमेंट मेरा बढ़ा देता है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ा देता है कि मैं देश के सामने, देखिए जो भी होगा अल्टीमेट रिजल्ट तो भगवान के हाथ में होते हैं, लेकिन बींग ए ज्योतिषी, चूँकि ज्योतिषी काल की गणना करता है, काल से वो आने वाले भविष्य के बारे में जान सकता है, उसके पास इतनी सुविधा है, तो उसका कर्तव्य है कि वो देश के लोगों के सामने सत्य, ज्यादा से ज्यादा सत्य के ऊपर बात करने वाला हो। और जब मैं दूसरे ज्योतिषियों को देखता हूँ तो वो मोदी जी की कुंडली, राहुल गांधी की, और मजे की बात देखो, किसी एक DGP ने मेरे को हॉरोस्कोप, मतलब एक वीडियो फॉरवर्ड की, उसमें वो राहुल गांधी की कुंडली गलत चर्चा कर रहा है। और मोदी जी की कुंडली तो जो 17 सितंबर 1950 के, अगर वो सब मैं लगातार प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि भाई उनकी कुंडली, वो जन्म समय उनका नहीं है, मुझे गुजरात के लोगों ने बताया।
तो इसीलिए लोगों का विश्वास जो है सत्य की तरफ जा रहा है, और ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि कलयुग में बेशक जैसे मैंने कहा कि सतयुग में 100% धर्म रहेगा, धर्म का अर्थ मतलब सत्य का पालन, और त्रेता यम 75% धर्म होगा, 25% अधर्म होगा, द्वापर में 25-25 होगा, और कलयुग में त्रेता युग का उल्टा है कि यहाँ तो 75% अधर्म है लेकिन 25% धर्म, यानी सत्य का आचरण और सत्य जिंदा जरूर रहेगा। तो मुझे शायद ये जो 2 मिलियन जो व्यूज मिले हैं, मुझे ये ईश्वर से मेरी भक्ति हनुमान जी के प्रति मेरी काम कर गई है कि हनुमान जी ने वास्तव में मुझे ये लोगों के अंदर विश्वास बैठ चुका है कि ये व्यक्ति सत्य पर और सच्चे ज्ञान पर बात करता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का बात है। तो आप मुझे ये और बता दीजिए कि आपके तो 20 लाख हुए, लेकिन हमारे 4PM पे ये कृपा कैसे बरस रही है कि हम पिछले महीने नंबर 1 पे थे 10.5 करोड़ व्यू के साथ, फिर 15 करोड़ व्यू आ गए हमारे जब हम नंबर 2-1 पे, पूरे देश में हम जाने माने दिग्गज पॉलिटिकल कमेंटेटर से हम 5-5 गुना ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, और इस महीने में कल socialbrigade.com पे देख रहा था इस महीने में हमारे 22 करोड़ व्यू 28 दिनों में हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में जितने वोट मिले हैं उतने व्यू सिर्फ 28 दिनों में 4PM पर आ गए, बाकी सब आधे आधे से भी कम पे हैं। तो ये 4PM पर इतनी कृपा कैसे बरस रही है आपके सारे दिन? जो आपको बता दो, आपकी जब हॉरोस्कोप को हमने चर्चा की थी कुंभ लगन की, तो इस समय लगने से आपके कुंभ शनि में, शनि जो है कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं, तो दशम भाव को दे रहे हैं, दसवां घर जो है फेम का होता है, नेम फेम का, और साथ में अभी शुक्र जो है अभी 2 दिन पहले ही राशि बदले हैं, वो अब मीन में आ गए, लेकिन इससे पहले वो आपके लगन में ही थे, और शुक्र आपका भाग्येश है, तो भाग्येश का लगन में जाना और लग्नेश का दशम भाव पर देखना, तो ये राजयोग तो बना हुआ है, इसीलिए आपको राजयोग के फल प्राप्त हो रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, चलिए अब आज की राजनीतिक चर्चाओं पे आते हैं। जो प्रश्न था कि मैंने कहा कि देखिए वास्तव में मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि भाजपा की हॉरोस्कोप में और देश की कुंडली में भी जो है कि फॉरेन से ह्यूमिलेशन आ रहा था, और वो देखिए एक सेकंड मैं यही तो सवाल आपसे करने जा रहा था। आपने पिछले प्रोग्राम में पिछले संडे को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे दुनिया में बदनामी होगी, सरकार की बदनामी होगी, आपने कहा था मुझसे, और मैं भी सोच रहा था, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं सोच रहा था बैठे बैठे शाम को एनालिसिस कर रहा था, राजीव जी ने कहा है कि दुनिया भर में बदनामी होगी, ऐसा कौन सा काम हो सकता है कि भाई पूरी दुनिया हम पे कमेंट करने लगे। तब तक मामला सामने आ गया, अमेरिका ने, जर्मन ने, अब तो यूएन ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खाते सीध करने दोनों पे टिप्पणी कर दी, यानी फजीयत हुई भारत की पूरी दुनिया में, कि भारत का लोकतंत्र बहुत बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और लोग चिंता कर रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो आपने जो कहा था वो 100% सत्य हुआ कि भारत की फजीयत हुई पूरी दुनिया में, कैसे क्या कहा था आपने, किस आधार पे कहा था? हाँ देखिए वो ऐसा है इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो आपकी जो चंद्र कुंडली मैंने ये दिखाई थी, ये हॉरोस्कोप में ये जो हॉरोस्कोप हाथ से बना के दिखाई थी मंगल के गोचर की, और उस मंगल के गोचर में मैंने उसी समय प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन आ रहा है। मैंने उसमें साफ साफ लिखा भी है कि जुडिशरी का सिग्निफिकेटर है, और ये इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन दरअसल भारत की कुंडली में मंगल जो है 12वें घर का स्वामी है, तो 12वां घर जो है हमारा क्या नाम है इंटरनेशनल इवेंट्स का भी होता है, और 9वां घर भी होता है क्या आपके इंटरनेशनल संस्थानों का, जुडिशरी का भी होता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी उसी में आता है। यूनाइटेड नेशन जो है वैदिक ज्योतिष के अनुसार भारत की कुंडली जब दिखाइएगा तो भारत की कुंडली के अनुसार 9वें घर से यूनाइटेड नेशन देखा जाएगा। तो 9वें घर का लॉर्ड जो है शनि और मंगल इकट्ठे हैं जो 15 मार्च को आए थे। तो इसीलिए देखिए ये घटना कहाँ घटी, मतलब ज्योतिष की एक्यूरेसी इसी से देखिए कि जैसे ही शनि मंगल 15 मार्च को इकट्ठे होते हैं और ये चीजें निकल के आ रही हैं कि पहले जर्मनी ने, फिर उसके बाद अमेरिका ने, फिर अब यूनाइटेड नेशन ने भी भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रति चिंता जताई है। ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी के लिए 10 साल के कार्यकाल का सबसे बड़ा ब्लॉट, सबसे बड़ा काला धब्बा है कि विदेश जो है आपके चुनावी प्रक्रिया पर और आपके विपक्ष के ऊपर, मतलब डेमोक्रेसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने लगा। आप जितना मर्जी आप अरबों खरबों रुपया खर्च करके अपनी ब्रांडिंग करते रहिए, लेकिन भाई कालिक तो पुत चुकी है, कालिक पुत गई है। और इसके अलावा आपको बताया पिछले प्रोग्राम में मैंने जब अरविंद केजरीवाल की हॉरोस्कोप चर्चा की थी तो मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इंटरनेशनल फेम मिलने का योग है। तो आप देखो दो घटनाएं, दो भविष्यवाणी पूरी हुई,
कि भारत का बीजेपी का मोदी जी का इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन हुआ, और अरविंद केजरीवाल का शब्द इस्तेमाल किया है जर्मनी ने भी और अमेरिका ने भी और यूनाइटेड नेशन ने भी। तो आप बैठे बैठाए बीजेपी, और सबसे बड़ी बात मैंने 17 फरवरी के भाजपा की आपके तीसरे चौथे प्रोग्राम में मैंने क्या कहा था कि 17 फरवरी से भाजपा का मति भ्रष्ट होने का योग। मति कहते हैं संस्कृत का वर्ड है, हिंदी में कहते हैं बुद्धि। तो भाजपा की बुद्धि भ्रष्ट होने का योग मैंने 17 फरवरी से बताया। तो बैठे बैठाए अरविंद केजरीवाल को ग्लोबल लीडर बना दिया उन्होंने, उसको जेल में क्या डाला, ग्लोबल लीडर बना दिया। भाई ये देखो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद, ये सब बड़े बड़े जो आजाद भारत के आंदोलन वाले बड़े नेता थे, बड़े विद्वान थे, सबके सब एडवोकेट थे, पढ़े लिखे थे, विदेशों से पढ़ के आए थे, उन्होंने भी बहुत साल जेल में रहे हैं। तो आप देखिए, हमारा ये बीजेपी ने अपनी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण ये आंदोलन बेसिकली स्वतंत्रता संग्राम जैसे आंदोलन के बना दिया, कि उस समय भी अंग्रेजों के हम गुलाम थे, उस गुलामी से की दास्ता की जंजीरों को तोड़ने के लिए आंदोलन इन 4-5 महानुभावों में। आपको बताऊं, हमारा देश शुरू से भावुक लोगों का देश तो है और स्वार्थी और लालची भी है, इसमें हमको स्वीकारना पड़ेगा। उस समय भी आप याद रखिएगा कि 1857 में आजादी की पहली चिंगारी कब निकली थी, जब मंगल पांडे नाम का एक ब्राह्मण आया था सामने, मंगल पांडे नाम का एक ब्राह्मण। उसने जब वो फौज में था तो उस जब वो जो विरोध किया था, वो कारतूस में कुछ मांस वाला कुछ चक्कर था, लोग सशक्त। तो उसके बाद देखिए आंदोलन की शुरुआत हुई है। इसके बाद ये जो मूलतः जो है भारतीय भाषी जो है, इसी तरह के जैसे आजकल हो गया ना, वो भक्त हो गए, अंधे भक्त के जो वो कर रहे हैं सब, अब आएगा तो मोदी, तो ये कहने वाले लोग उस समय वो अंग्रेजों के पीरियड में भी ऐसे ही लोग थे, ये उन्हीं की डीएनए वाले लोग हैं इस समय, जो ये कहते हैं कि आएगा तो मोदी। उस समय वो लोग कहते थे यार अंग्रेजों का शासन बहुत अच्छा, चोरी छकोरी नहीं होती है, तो वो अंग्रेजों को प्रेस करते थे। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप तो जान पर समान हो। इससे स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि अगर हमारे पास फ्रीडम और स्पीच नहीं है, भाई डेमोक्रेसी में राजा तो जनता है, तो जनता अपना अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकती, अपने जिसको चुना है अपने सुख सुविधा के लिए उसके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, तो क्या फायदा उस डेमोक्रेसी का। तो वो डेमोक्रेसी को देखिए, उसकी आग चिंगारी किसके, 4-5 मात्र चंद लोगों ने, ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं होती है, 4-5 नेहरू जी, गांधी जी, मौलाना आजाद जिनके मैंने अभी नाम लिए, स्वतंत्र राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल, ये सब लोगों के, अंबेडकर जी, इन लोगों की वजह से ही देखिए पूरी जनता में चेतना जागी है। तो इसलिए जनता निराश ना हो, विपक्ष कमजोर हो गया ये कोई महत्व नहीं रखता है, आपको आगे आना पड़ेगा क्योंकि जन आप ही मालिक हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब मैंने प्रोग्राम किया था तो इस चीजों को देखा कि भाई अरविंद केजरीवाल एक ग्लोबल फिगर बन गए, तो बन गए भाई, भाई उनके नाम की चर्चा यूनाइटेड नेशन कर रहा, किसी व्यक्ति विशेष की कितनी बड़ी बात है, मायावती के लिए कर रहा है क्या, ममता बनर्जी के लिए कर रहा है क्या, तो उनकी कुंडली में योग था इसलिए अरविंद केजरीवाल इंटरनेशनल फेम उनको मिला है। तो मैं आज आपको जल्दी से एक मैंने राइटअप बनाया था जो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या घटना घट रही है और आगे क्या घटने वाली है। लेकिन पहले एक सवाल ये लीजिए मेरा कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, केजरीवाल सब तो जेल में, इन बेचारों की तो दुर्गत होगी। आपने कहा कि केजरीवाल का बढ़िया भविष्य है, ये तो बेचारे सबके सब जेल में चले गए हैं, तो इनका भविष्य क्या होगा। नहीं देखिए, मैंने अभी मैं आऊंगा, मैंने वो विषय मुझे लेना है कि जब मैं राजनीतिक पार्टियों की कुंडली मैंने जो विषय तैयार किया वो जरूर मैं लोगों को शेयर करूंगा। तो भाई भविष्य क्या है, ये देश के लोगों को और जनता, वोटर जा रहा है वोट करने, उसको जानना भी आवश्यक है, कहीं भाई पार्टी खत्म तो नहीं हो जाएगी। जैसे आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंडा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत 10 साल में तो नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह मैं उस सब्जेक्ट पे आता हूँ, लेकिन मैं जो बताना चाह, देश विश्व के दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में प्रेडिक्ट किया था कि देश, भाजपा सरकार, मोदी की नीतियों की विश्व में बदनामी होगी, उनके लिए ह्यूमिलेशन का फेज आएगा। ये सब भविष्यवाणी 100% सच हो गई, जब सबसे पहले जर्मनी, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, एंड 2 दिन बाद यूनाइटेड नेशन ने भी भारत के विपक्ष के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ टिप्पणी की है। इन सबको भारत में निष्पक्ष और फेयर इलेक्शन की चिंता है। इन्होंने मांग की है कि केजरीवाल कांग्रेस के मैटर्स में प्रॉपर जुडिशियल न्याय होना चाहिए। ये स्वतंत्र भारत में फर्स्ट टाइम हुआ है असंजय जी कि विश्व आज भारत में प्रजातंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के निष्पक्ष और फेयर होने की बात कर रहा है।
इनकी टिप्पणियां इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बहुत बड़ा तमाचा है, उनके ऊपर कालिख लगा दी है। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस से भी गए गुजरे हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े चौड़े होकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराऊंगा, आई एम कमिटेड एंड आई विल बी रूथलेस अगर कोई मेरे पास कोई गड़बड़ी आएगी। लेकिन अब विपक्षी पार्टियों ने जब इनको, जब ये कांग्रेस के ऊपर जो इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है उसके ऊपर सारे विपक्षी दल मिले थे, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई का कोई संदेश नहीं आया है। तो ये सब कहने की बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े चौड़े होकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन की बात कर रहे थे, आज विश्व के इन देशों की चिंता पर वो खामोश क्यों है और उनका चेतना, उनकी जमीर क्यों मर गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? मैं तो जानता ऐसे पदों पर बने रहने का फायदा क्या जब इनकी आने वाली पीढ़ियां और इतिहास इनके, इनको और तलवे चाटने वाले अफसरों को और इनकी वर्किंग पर हमेशा खर्च करेंगे, श्राप मिलेगा इन लोगों को जीवन में। मैं तो व्यक्तिगत रूप से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जानता हूं जनाब, ये इनका इनका उठना बैठना आज मैं दर्शकों के सामने खुलासा कर रहा हूं कि इनके यहाँ, इनके घर में भाजपा और संघ के लोगों का आना जाना है, तो ये ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकते हैं? अगर आपके बच्चे ब्यूरोक्रेट्स होंगे तो आप तो भाई साहब आराम से मैनेज हो जाओगे, आप तो अपने 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 पद से हटने के बाद बच्चों की चिंता करोगे। तो ये इसीलिए ये प्रश्न चिन्ह है आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही। कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन के पास एनॉर्मस पावर है, ये प्रधानमंत्री को भी जेल भेज सकता है। याद करिए सेशन का टाइम, हम जब जब इलेक्शन कमिश्नर तीन सेशन थे, मुझे याद है संजय जी, आई बिलोंग टू शिकोहाबाद, हमारे शिकोहाबाद में एक बूथ के ऊपर एमएलए के ऊपर वहां तमिलनाडु के पुलिस के एक सिपाही ने थप्पड़ मार दिया था एमएलए के, क्यों? क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा कि वो क्या करते थे, रीशफलिंग कर देते थे पुलिस की, कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो तमिलनाडु की पुलिस भेज दी और तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश की पुलिस भेजी, क्योंकि वो लोकल ब्यूरोक्रेसी तो सरकार के अधीन है तो उनके तरह से काम करेगी। यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। अब इन इलेक्शन कमिश्नर महोदय को जब आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात कर रहे थे तो सबसे पहले ईडी और सीबीआई के चीफ को बदलना चाहिए था, होम सेक्रेटरी को बदलना चाहिए था, प्रधानमंत्री कार्यालय के सारे अफसरों को बदलना चाहिए था अगर उनके अंदर ताकत है तो। मैं आज उनको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपके अंदर जरा सा भी जमीर जिंदा है तो आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कमिश्नर और इन जांच एजेंसियों के हेड्स को बदलिए और होम सेक्रेटरी को बदलिए। ये सब तो इस सरकार के पिट्ठू हैं, सबके सब तलवे चाट रहे हैं, फ्री फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता। और आपको दर्शकों के लिए चौंकाने वाली और डराने वाली बात अभी बता देता हूं, दो दिन पहले शुक्र चेंज हुआ है, भारत की कुंडली में शुक्र छठवें घर का लॉर्ड है, छठवां घर इलेक्शन प्रोसेस का माना जाता है, लड़ना, फाइट करना। आ ये शुक्र जो है छठवें से छठवें भाव, भावत भावम सिद्धांत के अनुसार 6 to 6 में गया, 11वें भाव में गया है राहु केतु के बीच में और उचका हो गया है। इलेक्शन प्रोसेस में कोई मैनिपुलेशन का संकेत मिल रहा है, अभी देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ये इलेक्शन कमिश्नर सब मिले पड़े हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनसे उम्मीद मत करिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। आपको आना पड़ेगा उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, नेहरू जी, अंबेडकर, गांधी जी, इन सब के साथ जब आप इकट्ठे हुए थे 1947 से पहले के आंदोलन में। अन्यथा ये देश और आपकी भविष्य, आपकी पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेगी, हम लोगों को भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि हम तो गुलाम बन चुके हैं। गुलाम किन लोगों के बने? सिर्फ चार लोगों के, जो चारों एक ही क्षेत्र से आते हैं। भाई गुजरात के ही मोदी जी हैं, गुजरात के अमित शाह जी हैं, गुजरात के अंबानी हैं, गुजरात के अदानी हैं, और उन्हीं की वजह से सारा व्यापार भी उन्हीं के पास चला गया, सत्ता भी उन्हीं के पास है, तो ये चिंता का विषय है ना। तो मैं आगे जाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ईसी के पास एनॉर्मस पावर है, ये पीएम और बड़े बड़े नेता अफसरों को जेल भेज सकते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सकते हैं, बिल्कुल सच बात है। इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद इन्होंने एजेंसीज के हेड्स का ट्रांसफर नहीं किया, ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इनकी वर्किंग पर है। आज आपको बताता हूं, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अभी की है दो दिन पहले, तो फैक्ट्स बताता हूं कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहां हो रहे हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर तीनों के तीनों मेरी बात को सुने, देश की आजादी से जुड़ी एकमात्र सबसे पुरानी पार्टी ने अपनी 29 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका प्रश्न उठाया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। तो सिलसिलेवार दर्शक मेरे वर्ड बाई वर्ड सुने, ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से सारा मैटर नोट किया है, तो इसमें सत्य है, मेरा अपना कोई इसमें वर्ड जुड़ा हुआ नहीं है। अजय माकन रिवील्ड दैट कांग्रेस वाज सर्वड इन
फ्रेश टैक्स डिमांड ऑफ 18,023 करोड़ 1823 करोड़। ही सेड रुपीज 54 करोड़ पेनल्टी इज फॉर 93 जब सीताराम केसरी थे अध्यक्ष, रुपीज 182 करोड़ फॉर 2016, 179 करोड़ फॉर 2017, रुपीज 918 करोड़ फॉर 2018 एंड रुपीज 490 करोड़ फॉर 2019। ही सेड गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्नेज्ड, छीन लिया है सरकार ने 153 करोड़ ओवर ऑन 2017-18 फाइलिंग ऑफ रुपीज 14 लाख कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टीज ओन एमएलएज एमपीज। 14 लाख का एक चंदा आया था एमएलएज और एमपी ने, उसके ऊपर 2017-18 की इनकम टैक्स रिटर्न में इन्होंने 135 करोड़ उनके खाते से निकाल लिए। माकन सेड ऑन एग्जामिनिंग दी बीजेपी फाइलिंग, अब उन्होंने, माकन साहब कहते हैं कि बीजेपी की जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो रिटर्न फाइल भेजी है उसकी एनालिसिस की कांग्रेस ने, तो उसके फैक्ट्स दर्शक और दुनिया के सारे दर्शक सुने। ऑन एग्जामिनिंग दी बीजेपी फाइलिंग टू ईसी फॉर 2017-18 इट हैज बीन फाउंड बीजेपी हैज वायलेटेड मल्टीपल टाइम्स दी प्रेस्क्राइब्ड फाइलिंग फॉर्मेट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट विद 1297 डोनेशन टोटलिंग 42 करोड़। 1257 डोनेशन आई है 42 करोड़ की, जिसके बारे में, और जबकि कांग्रेस की 14 लाख की थी, जिसके बारे में नेम और एड्रेस कुछ नहीं है। जब अब उसके बाद माकन साहब आगे कहते हैं, आईटी फ्रोजेस कांग्रेस अकाउंट फॉर डिपॉजिट ऑफ 14 लाख बाय इट्स ओन एमपीज एंड एमएलएज बट इट हैज रिमेन्ड ब्लाइंड टू बीजेपी 42 करोड़। इफ द सेम पैरामीटर्स, मतलब पेनल्टीज, अगर इसी रेशियो में पेनल्टीज लगाई जाए जैसे 14 लाख पर लगाई गई थी, अगर 42 करोड़ जो बीजेपी का घपला है बिना नेम एंड एड्रेस का उस पर लगाई जाए, तो जनाब संजय जी ये अमाउंट डिमांड का, इनकम टैक्स का जो लायबिलिटी बन जाती है बीजेपी के ऊपर 4600 करोड़, 4600 करोड़। इनकम टैक्स कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर क्यों छुपे हैं इस बात के लिए? ये तो इनकम टैक्स की ईसी की वेबसाइट से लिया गया है। कांग्रेस इसके लिए कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करने जा रही है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा बीजेपी शुड बी आस्क्ड टू पे 4600 करोड़। ये पीआईएल दाखिल होने जा रही है, इस वीक में हो जाएगी। एक तरफ तो भाजपा ने लगभग 13,000 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स और अन्य सोर्सेज से प्रीपेड पोस्ट पेड एंड पोस्ट रेड्स, मतलब छापे मारने के बाद, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, के बाद रिश्वत के रूप में उघाई की है, एक्सट्रॉशन किया है। अब ये आईटी का सहारा लेकर टैक्स टेररिज्म के जरिए विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं पूरा देश। राजीव जी एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, आप में और मोदी जी में एक बड़ी समानता है, वो भी देखकर बोलते हैं और आज आप भी देख के पढ़ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये, आज मुझे आप ज्योतिषी कम और कांग्रेस के नेता ज्यादा लग रहे हैं। मेरे दर्शक भी कहेंगे, ये तो भाषण, आज राजीव जी भाषण वाली शैली में बोल रहे हैं, तो चुनाव ना लड़ने का इरादा तो नहीं है आपका? सच सच बताइए। बिल्कुल नहीं, देखिए मतलब आपकी भविष्यवाणी में है कि सांसद वासद बनेंगे आपके, पता चला एक दिन अचानक घोषणा हो कि राजीव जी नामांकन करा रहे हैं अपना? नहीं, मैं बिल्कुल, कोई पॉलिटिक्स का मेरा कोई क्रेज नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फैक्ट्स जब होते हैं तो आप अखबार की न्यूज़पेपर की न्यूज़ है ये, उसको मैं बता रहा हूँ सुनके, क्योंकि फैक्ट्स जाने चाहिए, मेरे वर्ड्स उसमें जुड़ने नहीं चाहिए, नहीं तो वो। चलिए ये बात तो हो गई, लेकिन मुझे बताइए, आपने कहा था कि कांग्रेस की जन्म पत्ती तो अच्छी है, इन बेचारों के पास तो खाने पीने के पैसे ही नहीं बचे, सब तो जब्त हो गए इनके, ये जो जब्त हो रहे हैं क्या घरों के हिसाब से ये फ्री होंगे या ये ऐसी हालत में चुनाव लड़ने जाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, बिल्कुल आएगा। देखिए देखो, जब तक आप याद रखे, आपको याद होगा संजय जी, 2016 में नोटबंदी जब की गई थी, अखिलेश अपना कोई रथ लेके निकलते, चुनावी रथ, उनका 4 तारीख को रथ खराब हो जाता है। सेम पैटर्न आप देखिए, पैटर्न बीजेपी का देखिए कैसे विपक्ष को खत्म करने का है, रथ खराब हो जाता, 8 तारीख को नोटबंदी कर दी जाती है। और इस नोटबंदी से क्या हुआ था, क्योंकि मायावती, अखिलेश और विपक्षी पार्टी अपने बेचारे नोट बदलने में लग गई, तो उनका दिसंबर का और जनवरी का जो चुनाव प्रचार का टाइम था, फरवरी में चुनाव हुए, वो खराब हो गया। तो इससे ये पता लग जाता है कि भाई इन्होंने हमेशा विपक्ष का क्रूशियल टाइम जो है कैंपेन का, वो बर्बाद किया है। मैं आपके उस प्रश्न में जरूर आ रहा हूँ कि पार्टियों का भविष्य क्या है, क्योंकि कांग्रेस आज पैसे के लिए मोहताज है, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है वो है, पहले इनकम टैक्स को वो
की के अपील करेंगे, फिर वो कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, तब तक इलेक्शन हो जाएगा। तो आपने तो उनका तो इलेक्शन खराब कर दिया ना पूरा। तो मैं आपको देश की भोली वाली जनता को याद कराना चाहता हूं कि किस तरह से नोटबंदी से स्मॉल एंड मीडियम स्केल उद्योग अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हुआ। जीएसटी लाने के बाद बीजेपी के परम मित्र कॉरपोरेट के उद्योगों को मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ का लाभ मिला, क्योंकि ये जीएसटी के टैक्स रिफंड का भी रिफंड्स को क्लेम कर सकते हैं। इन्हीं कॉरपोरेट्स के 16 लाख करोड़ के कर्जे माफ किए गए। पिछले 100 साल में आए मानवता के सबसे बड़े कष्ट कोविड पीरियड में भी इन्हीं कॉरपोरेट्स ने जमकर पैसा कमाया, जबकि देश की जनता लाखों की तादाद में ऑक्सीजन हॉस्पिटल केयर के अभाव में मर रही थी। क्या देश अब भी सोचता है कि ये मानव है? शास्त्रों के अनुसार ये दानवों और राक्षसों के गुण है। मोदी दरअसल, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोदी जी दरअसल एक उद्योगपति हैं, मुझे गुजरात के लोग बताते हैं। एक वाक्य हुआ था, फिर कभी किसी प्रोग्राम में आऊंगा, मेरी अदानी से मेरी 15 मिनट की मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो खुलासा किया वो अगले प्रोग्राम में मैं चौंकाने वाला खुलासा करने वाला हूँ। गुजरात के एक भाजपा के पूर्व सीएम ने ही बताया था कि मोदी जी की जो है बचपन से संगति ऐसे लोगों से रही थी जो उगाही करने वाले और इस तरह के लोग रहे हैं, तो इसलिए परिवार भी इनका मिल गए ना। तो आप जो इतना बोलते हैं, मैं चाहता हूँ मोदी जी मेरे सामने आए, तो मोदी जी के सामने में बात करने में मजा आए। मुझे पक्का लग रहा है कि आपके घरों में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आपके चक्कर में मेरे को और ईडी भी आ जाएगी किसी से, मुझे लग रहा है। आपको बताया कि वही परिवार भी इनसे दुखी था, कि उनकी संगत खराब थी, इसके कारण इनको जब परिवार की तरफ से कष्ट था ये घर छोड़ के भाग गए। और उसमें मैंने इनकी एक वीडियो सुनी थी, उसमें कहते भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मैं 17 वर्ष की अवस्था में मैंने घर छोड़ दिया था। और आप कहते फिरते हैं दुनिया में स्टोरी बना दी आपने कि हमने चाय बेची है। अरे यार चाय कहाँ से बेची है? 1976 में तो हॉल्ट स्टेशन बना था वडनगर में, और 1976 में 50 के हिसाब से मोदी जी 26 साल के हो जाते हैं। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैं 17 वर्ष की अवस्था, संगत खराब नहीं थी, शैतानी करते थे। जैसे खुद मोदी जी ने कहा कि वो पार्टी में किसी महिला की साड़ी किसी ने चिमटी से बांध दिया करते थे, स्टेपलर नहीं, 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 वो संगत भी खराब थी। वो आपको मैं कभी बताऊंगा, मुझे भाजपा के मुख्यमंत्री ने बताया था, और वो राजपूत हैं, और नाम मत ले लीजिएगा, बेचारे पैदल हो जाएंगे कल ही, नाम मत ले लीजिएगा। मुझे पता है कि बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लोग आपके संपर्क में रहते हैं, मुझे पता है। बीजेपी के ही संपर्क में, मेरे पास कांग्रेस और आप पार्टी का कोई संपर्क में नहीं। और दूसरा बात देखिए, हॉल्ट स्टेशन बना था 1976 में, मोदी जी ने अहमदाबाद जब आए हैं भाग करके, वहां पर चाय जरूर बेची है। वो चाय का किस्सा था, घर पे नहीं कभी बेची उन्होंने, क्योंकि उनके परिवार का तो पसारी थे, उनका परिवार का धंधा जो है बेसिकली व्यापार बिजनेस कर रहा है। आज एक प्रश्न और आपके प्रश्न से पहले लेके आना चाहता हूँ, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले कुंडली से, क्योंकि वो सुर्खियां बन गया था। 600 लॉयर्स ने एक लेटर लिखा था, और उस लेटर को उसमें वो लंदन वाले लॉयर भी है जिनकी शादी में बड़े बड़े भगोड़े आज मैं जनता को इनको एक्सपोज करने के लिए, ये लोग कौन हैं और कौन से ऐसे लोग हैं, ये दानवों की तरह आपका खून चूस रहे हैं, ये सब के सब मायावी राक्षस हैं जो 600 आए थे, जिसको मोदी जी ने देर नहीं लगाई अपने ट्वीट में उसको अटैच करने में। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया 29 मार्च की न्यूज है, पीएम बैक्स लॉयर्स लेटर बिड टू प्रेशर जुडिशरी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में मोदी सरकार के सारे हथकंडे जब सुप्रीम कोर्ट के सामने फेल हो गए, इनके एक्सटॉर्शन और के रैकेट का देश और दुनिया के सामने जब पर्दाफाश हो गया, सालवे रोहतगी तुषार मेहता जैसे सुप्रीम कोर्ट और बार सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूपी सभी ब्रह्मास्त्र जब इनके टॉप के एडवोकेट फेल हो गए, तब इन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर प्रेशर बनाने के लिए इन 600 नामी ग्रामी एडवोकेट्स के साइन लेटर को रिलीज किया है। ये भी एक तरह का प्रॉक्सी वार है कॉर्पोरेट की तरफ से, क्योंकि इसमें सरकार और कॉर्पोरेट का नेक्सस इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हुआ है? सरकार भाई ऑर्डर लेने वाला और रिश्वत देने वाला, तो ये जो है नेक्सस एक्सपोज हो गया है। तो ये नेक्सस चाहता है किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में आ जाए, तो इन वकीलों को आगे कर दिया गया। मैंने देखो इस बात की पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि 17 फरवरी से इनकी बुद्धि भ्रष्ट होने की गृह दशा चल रही है। तो संजय जी ये भी बुद्धि भ्रष्ट होने का बहुत बड़ा उदाहरण है कि आपने जिन 600 वकीलों को आगे किया वो सबके सब तो भाजपा से कनेक्शन वाले पाए गए, भाजपा आरएसएस से संबंध है सबके सबके, और वो तो प्रेशर है चंद्रचूड़ पे, प्रेशर बनाने के लिए किया गया ये। हाँ बिल्कुल, प्रेशर बनाने के लिए किया। और दूसरा देखिए,
उनमें से एक वकील साहब तो ऐसे हैं जिनकी लंदन की पार्टी में जाम से जाम टकरा रहे थे, लोग थिरक रहे थे, नाच रहे थे, भगोड़े लोग भारत से भागे हुए, पैसा लेके देश से पैसा लेके भागे हुए लोग नाच रहे थे उसमें। उसमें तो मुकेश अंबानी भी वहां पहुंचे हुए थे। तो आप एक तरफ भोली भाली जनता का पैसा, देश का टैक्स का पैसा लूट करके भागने वाले, और उनको बचाने वाले वकीलों को आप 6-6 लुटेरों को, एडवोकेट्स को लेके आप आगे कर रहे हो, तो क्या जताना चाह रहे हो आप कि देश जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है? कतई नहीं है, देश सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वाहवाही कर रहा है। क्योंकि संजय जी मुझे ऐसी जानकारी मिली, किसी ने बताया था बहुत नजदीकी सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, कि मेरे प्रोग्राम को जुडिशरी देखती है सुप्रीम कोर्ट की और पसंद भी करती है। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ। और याद रखा, मोदी जी ने भी एक आपको बताया, एक धार्मिक आयोजन में सुप्रीम कोर्ट के जज इलेक्ट्रल बॉन्ड के जजमेंट की जो इनिशियल जो प्रोसीडिंग जजमेंट था उसका मजाक उड़ाया था, सुदामा और कृष्ण का उदाहरण देखा, याद होगा आपको कि तो आप खुद मोदी जी भी मजाक उड़ा। लेकिन मोदी जी जब इलेक्ट्रल बॉन्ड पे फुल फ्लेज जजमेंट आया, ये पार्टीज के नाम आए, तब मोदी जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? मोदी जी मणिपुर वाली घटनाओं पर ट्वीट नहीं करते हैं? देश की जनता मोदी और कॉर्पोरेट के प्रॉक्सी दलाल, प्रॉक्सी मतलब दलाल है ये कॉर्पोरेट के ये सारे लोग, इन नामी ग्रामी एडवोकेट से ये पूछे कि जब मोदी सरकार छात्रों, माइनॉरिटीज, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों पेशाब करने की घटना जो हुई थी मध्य प्रदेश में, बेरोजगारों पर अत्याचार कर रही थी, तब इनकी मृत समान आत्मा क्यों नहीं जागी इन वकीलों की, 600 लोगों की? जब किसान एक साल तक आंदोलित रहे जिसमें 700-800 किसान मरे, तब ये 600 वकील क्यों नहीं बोले? सुप्रीम कोर्ट को सरकार, सुप्रीम एसटी को सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था, इनको कहना चाहिए था। मणिपुर में जब महिला निवस्त कराकर परेड कराई गई थी, तब भी ये क्यों नहीं बोले? जब महिला पहलवान खिलाड़ी जब सड़क पर घसीटी जा रही थी, तब भी ये अपने नशे में क्यों धुत थे, तब भी ये क्यों नहीं बोले? इन 600 एडवोकेट्स में ऐसे लोग हैं जिनका सभी का संबंध भाजपा और आरएसएस है, जो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के ही केस लड़ते हैं। याद रहे, माइनिंग्स पर राइट के जो केस अभी चल रहा है, माइनिंग्स राइट्स का केस चल रहा है राज्य वर्सेस केंद्र, उसमें भाई साहब ये वकील मुकुल रोहतगी वगैरह जो नामी ग्रामी वकील हैं, वो उद्योग घरानों का जो तरह से पैरवी कर रहे हैं। इन उद्योगपतियों, इन सभी को लाखों करोड़ों की फीस मिलती है। इनकी पार्टीज में देश का पैसा लूटकर विदेश भागने वाले देशद्रोही शामिल होते हैं और जाम से जाम टकराकर डांस करते हैं। देश की जनता नींद से जागे, आंखें खोले, अगर कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और अन्य आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट ना हो, तो भाजपा उद्योगपति, गोदी मीडिया, चापलूस अफसर जिनका ईमान मर चुका है, उनका पर्दाफाश कभी भी नहीं हो पाएगा। ये जो वकील हैं कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण जी जैसे, ये वास्तव में सच्चे देशभक्त हैं जो देश की जनता के सामने सत्य लाने का प्रयास कर रहे हैं और लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल ये जनता की आवाज मजबूत करने वाले ये एडवोकेट्स ही सच्चे देशभक्त हैं और सुप्रीम कोर्ट के सभी लर्नेड जजेस ईश्वरीय न्याय का प्रतीक हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये ईश्वरीय न्याय का प्रतीक हैं। हम सभी आज मैं जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि इन एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण जैसे एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की दीर्घायु और कल्याण के लिए हम सबको प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि अगर ये हैं तो ये प्रजातंत्र रहेगा, अगर ये नहीं है तो ये देश रहने लायक नहीं बनेगा। क्योंकि पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे उद्योगपति कई लाख की तादाद में देश छोड़कर चले गए, विदेशों में उन्होंने अपना धंधा खोल लिया है। पूरा भाषण लिख के आए आज आप? नहीं, भाषण इसलिए जरूरी है, सत्य के रूप में लाना तो पॉइंट्स तो बनाने पड़ेंगे। और आपको एक न्याय की बताते, तो न्याय का मतलब लोग अब नहीं जानते, तो मेरी जैसे मैं पिछली बार एक व्यक्ति का सवाल बताइए, अगर कोई सांसद आपको इनवाइट करे कि ऐसी भाषणों की रैली में पढ़ दी जाके, तो आप चले जाएंगे? आज अपने बढ़िया भाषण वाले स्टाइल में अगर ये भाषण आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पे देंगे तो उसकी रेटिंग बढ़ जाएगी, सपा बसपा कांग्रेस या कोई भी विपक्ष का? नहीं नहीं, मुझे अपनी देश की जनता, देखिए ये भी एक मेरे पास एक ही देशभक्ति करने का एक साधन है कि मेरी वाणी जो है देश के लोगों तक पहुंचे, जो 20-20 लाख अगर लोग देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि देश की सोई जनता जागे किसी तरह से। वही उसी इस हफ्ते वो 20 लाख क्रॉस होने वाला है, आपको करंट आ गया इस बार? आपने आज सोच रखा है कि बिल्कुल मोदी जी की आप बिल्कुल आज वो सारे ग्रह इकट्ठे कर देंगे मोदी जी के लिए? मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ कि दर्शकों को, जब मैंने फंडामेंटल राइट पहले बताए थे
तो इस बार मैंने न्याय न्याय का न्याय क्या है, आप तो फिलोसफी के स्टूडेंट रहे हैं जहां तक मैंने किसी प्रोग्राम में सुना था। अरे एक दर्शकों को एक रोचक जानकारी देता हूं भाई, दर्शकों आज मैं एक ऐसी रोचक जानकारी देने जा रहा हूं कि संजय 4 PM का प्रोग्राम, मेरा पहला प्रोग्राम 1 जून से शुरू हुआ था और मैं और संजय जी आज तक फिजिकली नहीं मिले हैं, हमारी फोन पे बात हुई है या प्रोग्राम में ही है। संजय जी बताइए, कंफर्म करिए कि आप कभी हमें आज तक हम लोग हमारी चाय भी नहीं हुई आज तक, नहीं हुई है कभी, नहीं हुई है, देखा ही नहीं हमने, 10 महीने हो चुके हैं। सो देखिए, तो आपको हनुमान जी ने हमारे पास भेजा, जुड़ गए, तो हमारी बात शब्द आपके जरिए आगे तक पहुंच रही है। तो न्याय जैसे आप चूंकि फिलोसफी के स्टूडेंट रहे हैं संजय जी, तो हमारे भारतीय शास्त्र वेदों के अनुसार 6 फिलोसफीज कही गई हैं जिसको षड् दर्शन कहते हैं। 6 दर्शन है, वो हैं सांख्य योग, योग, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत और न्याय। तो न्याय हमारे यहाँ एक दर्शन माना गया है, फिलोसफी है। न्याय दर्शन भारत के 6 दर्शनों में से एक है, इसके प्रवर्तक अक्षपाद गौतम है। न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। न्याय का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या, जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके उसे न्याय कहते हैं। प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। यह तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा है। प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष जिसको परसेप्शन कहते हैं, अनुमान जिसको इन्फेरेंस कहते हैं, उपमान मतलब कंपैरिजन एनालॉजी, एंड वर्ड्स शब्द, वर्ड्स टेस्टिमनी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। न्याय इज कंसर्न इटसेल्फ विद द एपिस्टेमोलॉजी दैट इज रिलायबल मींस टू गेन करेक्ट नॉलेज एंड रिमूव रॉन्ग नोशंस। इसका मतलब यह है कि अज्ञानता जो है अगर है तो कभी भी न्याय नहीं आ सकता। तो भाजपा ने क्या किया कि सोशल मीडिया के, उनकी आईटी सेल ने सोशल मीडिया के जरिए अज्ञानता इतनी ज्यादा फैलाई कि हम न्याय का मतलब ही भूल गए और हमको वही लगा जो मोदी कहे सो सब सही है, वो ऐसा नहीं होगा। और अब मैं आपके विषय पर आता हूं जो आप वेट कर रहे होंगे कि पार्टी वाइज देखिए, पहले मैं तीनों पार्टियों की कुंडली दिखा देता हूं फिर ज्योतिषीय विश्लेषण करूंगा। ये देखिए कांग्रेस, दर्शक देखिए कांग्रेस और बीजेपी है, ये अलग से भेज भी दीजिएगा, हम लोग इसको पूरा बड़ा करके लगाएंगे भी इसको। ये इसके बाद आप पार्टी है, ये आप पार्टी की कुंडली है जो 26 नवंबर 2012 को बनी। अब इस कुंडली का मैं कुछ विश्लेषण आपको बता देता हूं। दरअसल चूंकि वोटर वोट डालने जा रहा है उसको पता होना चाहिए, और यही जहां तक मुझे याद है संजय जी कि इलेक्शन कमिश्नर के इसी के अनुसार 3 ही नेशनल पार्टीज हैं। आप पार्टी अभी अभी बनी थी, नेशनल पार्टी बनी थी ना गुजरात वगैरह की, जब कुछ सीटें आ गई थी उनको, और मायावती वगैरह नहीं है, ये नेशनल पार्टी नहीं है। तो 3 नेशनल पार्टी मुझे आ चुकी, लोकसभा का चुनाव है, ये नेशन का चुनाव है। तो मुझे दर्शकों को ये जानकारी भी आज देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने एक राइटअप तैयार किया है कि आपका भविष्य, प्रजातंत्र और संवैधानिक संस्थाएं किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो आपको वोट करने में आसानी होगी क्योंकि ये ज्योतिषी विश्लेषण है, इसलिए बता रहा हूं। आर्टिकल है या ज्योतिष के हिसाब से आंकलन है? नहीं, ज्योतिष के हिसाब से आंकलन है, मैं ज्योतिषी विश्लेषण मतलब एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस दे रहा हूं। तीनों कुंडलियां जो मैंने दिखाई है आप सुनते जाइए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि न्याय, डेमोक्रेसी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का कारक माना गया शनि को, और लेबर क्लास, डाउनट्रोडन मतलब दलित आदिवासी, कॉमन मैन ऑन लॉन्ग लास्टिंग फेम का सिग्निफिकेटर भी शनि को माना गया। मतलब शनि जो अगर चिरस्थाई जो फेम मिलता ना किसी को, फेम देने वाले संजय जी 2 ग्रह हैं, सूर्य और शनि। सूर्य का फेम जो है अहंकारी होता है और क्षणिक होता है, मतलब शॉर्ट टाइम में रहेगा, और शनि का चिरस्थाई होगा। आप अरविंद केजरीवाल का फेम क्यों है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को शनि की कृपा है। तो शनि की कृपा मतलब जो गरीब तबका आपको पसंद करता है वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, पैसे वाला साथ छोड़ जाएगा। और सूर्य का मतलब हो गया इन्फ्लुएंशियल आदमी, वो तो अपनी पाले बदल लेगा कभी भी। तो आज मैं भाजपा की कुंडली पहले चर्चा कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको दिखाई है। इनका शनि वक्री सूर्य के नक्षत्र में है, वक्री मंगल, वक्री गुरु और राहु केतु से पीड़ित होकर 3रे घर में है। मंगल झगड़े अन्याय का प्रतीक है। चंद्रमा जो इनके मन का कारक है वह भी नीच का है। 6वें भाव में मंगल से पीड़ित है, अर्थात
ये पार्टी जनता, लेबर क्लास, दलित, आदिवासी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने की सोच रखती है। मैंने छल कपट के योग बताए थे, आज मैं बता रहा हूं कि डेमोक्रेसी का सत्यानाश, डेमोक्रेसी को खत्म करने की सोच अगर किसी नेशनल पार्टी के अंदर तो भाजपा के अंदर है, वो ग्रहों के आधार पर बता रहा हूं, बात करने की सोच रखती है। उनका कभी भी सम्मान नहीं कर सकते ये सदैव इनको क्रश करके खत्म करके बदला लेना चाहेंगे। इनकी कुंडली में मैंने आपको बताया था आपके सारे प्रोग्राम में फोबिया और स्किजोफ्रेनिया बीमारी एक मानसिक मनोरोग होती है जिसमें आप डर के कारण किसी पे हिट करते हो, उसको मारने का प्रयास करते हो। ये बीमारी होती है कि हमें डर लगता है जैसे बिच्छू से, मच्छर से या किसी कीड़े मकोड़े से, तो आप उसको किसी चीज से हिट करके मारना चाहते हो, चाहे वो आपको काट रहा ना हो। यही काम देखे मोदी जी के, देखो कांग्रेस के साथ जो कर रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। तो उनकी सारी एक्टिविटीज में देखिए कि ये उन्होंने डर पैदा करके विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, उनको मारने का प्रयास करते, या तो वो अपनी तरफ मिला लेंगे या उनको खत्म करने का कोशिश करके। तो ये इसलिए इनकी कुंडली में फोबिया, इसकी जो फीनिया मानसिक बीमारी के योग हैं, जिन्हें मैं अपने पिछले प्रोग्राम में बहुत अच्छे रूप से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये और इनके गुण सुन लीजिए, बड़े गुण हैं इनके अंदर, जिन्हें मैं ये लालची, स्वार्थी, भ्रष्टाचार और काले धन का संग्रह करने वाली पार्टी है, रहेगी। इनकी बुद्धि और विवेक का कारक बुध और गुरु, पांचवा भाव उसका स्वामी शुक्र, नौवा भाव नाइन्थ हाउस उसका स्वामी शनि, सभी पीड़ित हैं। आपको पता है दया करुणा नौवे घर से देखी जाती है। बुद्धि की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि जो दे होती है ना, प्योरिटी ऑफ माइंड, वो नाइन्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, वो भी दोनों पीड़ित हैं। सो मन से किसी के लिए भला नहीं सोच सकते ये लोग भाजपा वाले, केवल पैसा पैसा पैसा, वो पैसा पैसा करती है तू, क्या पैसे पे क्यों मरती है। आपको गाने भी आते हैं आपको? हाँ, तो ये जो शुक्र का लगन है ना मेरा, तो मैं इंटरेस्ट रखता हूँ थोड़ा सा, पिक्चर विक्चर देखते हैं इसका मतलब आप? हाँ, शुक्र का लगन है, मैं सिंगिंग का भी इंटरेस्ट रखता हूँ मैं। अच्छा, गाना भी गाते हैं आप? जी। इनकी कुंडली देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ दर्शकों को, इनकी कुंडली उसी तरह के योग की है जैसे प्राचीन समय में हम कहानियों में सुनते थे ना, कि कैसे सूदखोर व्यापारी भोले वाले गांव वालों की अनुचित ब्याज के द्वारा जमीन हड़प लेता था। हम बचपन में कहानी सुनते थे ना कि सूदखोर व्यापारी था, उल्टी सीधी ब्याज लगा के गांव वाले की जमीन हड़प ली, तो इनकी कुंडली में वो योग है। ठीक इसी तरह की कहानी हमने अंग्रेजों के पीरियड में भी सुनी है, जिसे आमिर खान की लगान मूवी में दिखाया गया था, वो भी तो लगान लगा करके कब्जा कर लेते थे, तो वो भाजपा की कुंडली में योग है। इसीलिए ये किसानों के, ये तीन किसान कानून लाए थे, काले कानून, ये चाहते थे किसानों की जमीन पर कब्जा करना, वो तो भगवान भला करे, और किसानों की जो ताकत थी, उनकी जो यूनिटी थी, उसके आगे इनको झुकना पड़ा। किसानों से भी ये सदैव नफरत करते हैं, इनका सूर्य मंगल से पीड़ित है, शनि सूर्य के नक्षत्र में, इसलिए ये तानाशाही वाला रवैया भी इनका है। अब आ जाइए दूसरी पार्टी के बारे में, कांग्रेस। इन्हीं ज्योतिष प्रमाण, क्योंकि मैं अपनी मन गणन बात नहीं कह रहा हूं, दर्शक देखेंगे जब आप कुंडली लगाएंगे कि बकायदा शनि पे उनकी दृष्टि चली जानी चाहिए। एक शनि को बेस बना करके मैंने तीनों पार्टियों की व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि शनि क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कांग्रेस, इनकी कुंडली में बकरी शनि सूर्य की सिंह राशि में है और केतु के नक्षत्र में है, केतु गुरु की भावनात्मक शुभ राशि मीन में लगन में है। इनके न्याय के भाव नौवे घर में शुभ ग्रह बुध है और नौवे घर का स्वामी मंगल अत्यंत शुभ भाव पांचवें घर में स्थित है, मंगल पांचवें घर में चला गया। लग्नेश गुरु केंद्र में है, फोर्थ हाउस सिंहासन और आत्मशुद्धि, संतोष, अच्छे चरित्र और जन कल्याण करने के भाव में इनका बृहस्पति, इनका लगन का स्वामी बैठा हुआ है। इनकी शनि की पूरे 19 वर्ष की दशा शुरू हो रही है। जो लोग भाजपा मुक्त सपना देखते हैं उनको सुन ले मेरी बात को, इनकी कांग्रेस की 6 मार्च 2025 से पूरे 19 वर्ष की शनि की महादशा शुरू हो रही है, जो चुनाव के घर में, डेमोक्रेसी के इलेक्शन वाले हाउस में है। ये मेरी भविष्यवाणी है कि कांग्रेस की मैक्सिमम स्टेट्स में सरकार होंगी, और इस प्रजातंत्र को बचाने का, अगर कोई संवैधानिक संस्थानों को बचाने का कोई अगर कार्य करेगी तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी करेगी, जिसका आप मैं आगे बताता हूं। जन कल्याण के भाव में इनका है, इनका शनि पूरे 19 वर्ष की दशा 6 मार्च 2025 से शुरू हो रही है, अतः इस पृथ्वी पर, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, इस पृथ्वी पर कोई ताकत नहीं है जो कांग्रेस का को खत्म कर दे। कोई किसी, भूल जाइए भाजपा मोदी को, पृथ्वी पर किसी की ताकत नहीं है। ये पार्टी तो और ज्यादा अब प्रदेश दर प्रदेश फैलेगी। छठवें भाव का शनि चुनावी राजनीति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सिक्स लॉर्ड जो होता है, अगर किसी का हो,
बहुत अच्छा माना जाता है इलेक्शन फाइट के लिए। और ग्रोथ, ये छठवा घर ग्रोथ का भी हाउस है, ग्रोथ के चार हाउस कहे गए हैं, तीसरा, छठवा, दसवां और ग्यारहवां हाउस, हाउस ऑफ ग्रोथ कहे गए हैं। देश को मैं अपनी ज्योतिषीय ज्ञान से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यही पार्टी इस देश में प्रजातंत्र और डेमोक्रेटिक संस्थानों को बचाने का कार्य करेगी, फेयर जन कल्याणी योजनाएं लाएगी और उन पर सच्चे मन से कार्य करके देश और जनता का कल्याण करेगी। इनके अंदर लालच, स्वार्थ और भ्रष्टाचार, काले धन के प्रति बहुत ही कम प्रेम होगा, भाजपा जैसा प्रेम नहीं होगा। तीसरी पार्टी ले लेता हूं, आप पार्टी। आप पार्टी की कुंडली दिखाई, इस पार्टी का लगन ही शनि का है, मकर लगन का है, और लग्नेश उच्च के दसवें भाव में बैठे हैं। सर्वश्रेष्ठ कर्म भाव कहा गया दसवां घर, यानी दसवें भाव में दशमेश और दशमेश शुक्र के साथ बैठे हैं, पंचमेश और शुक्र नवमेश केंद्र भी है वहां पर, बुध है इसके, इनके लगन पर शुरू गुरु शुभ ग्रह की दृष्टि है। यदि भी ये गुरु जो है राहु केतु से पीड़ित है, ये पार्टी क्या आप भविष्य दे सकती है देश के वोटर को? ये पार्टी जनता के हितों का ध्यान रखते हुए गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासियों के लिए, उनके कल्याण और सुखों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा काम करेगी, मतलब बेटर देन कांग्रेस। कांग्रेस का रोल अलग है, कांग्रेस का रोल अलग है। कांग्रेस का रोल डेमोक्रेसी को बचाने में, प्रजातंत्र में, उसमें बहुत फायदा पहुंचाएगा छठवें घर का शनि, लेकिन इनके दसवें घर में शनि है तो नीतियों का जो एग्जीक्यूशन है ना, इम्प्लीमेंटेशन, इसीलिए देखिए अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य और इन जन कल्याणी शुद्ध पीने का पानी, इस पर जन कल्याणकारी नीतियों पर काम किया, नहीं किया था वो इसी वजह से दिया, क्योंकि आप पार्टी की कुंडली वो एक्सप्लेन करती है। अतः भविष्य में अगर, हाँ तो मैं आप एक बताता हूं, जिसके कारण इनकी यही यूएसपी रहेगी, जिसके कारण इन्हें एजुकेटेड युवाओं, महिलाओं और कम डाउन ट्रोडन वर्गों के लिए कार्य करने से नेम और फेम मिलेगा। इनकी प्रस्तुति हमेशा लोअर कास्ट के लोगों में बहुत अच्छी होगी और एजुकेटेड लोग जो होंगे। ये कि केजरीवाल की जन्मपत्री में, उनकी आम आदमी पार्टी की जन्मपत्री में केजरीवाल का प्रधानमंत्री बनने का योग है क्या? वो भी आ रहा हूँ अभी, दो मिनट मुझे दीजिए, प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, माफी कीजिएगा, लेकिन मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम में चर्चा होनी चाहिए। एक और बहुत चौंकाना वाला तथ्य आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एक गुजरात के 4 PM की वजह से मेरे फॉलोअर बने थे, सॉरी राजस्थान के, वो अग्रवाल साहब हैं, तो वो 40 साल गुजरात में उन्होंने काम किया, तो उन्होंने जो चौंकाने वाले फैक्ट्स बताए हैं वो सुन लीजिए। एक राजस्थान के अग्रवाल साहब ने बताया कि मूलतः गुजराती पीपल नॉर्थ इंडिया के वैश्य कम्युनिटी से एनिमिटी और दुर्भावना रखते हैं, यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जो नॉर्थ इंडिया की इसी कम्युनिटी से आते हैं, बिलोंग करते हैं, शुरुआत से ही मोदी, शाह, अंबानी, अदानी की आंखों में चुभते रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारत के ये वैश्य कम्युनिटी के हैं, उत्तर भारत के लोगों को गुजराती लोग पसंद नहीं करते हैं, व्यापार के संबंध जुड़े हुए, और ये लोग उत्तर भारत के, और एक और बात कहते हैं ये लोग, मुझे जो जानकारी मिली, ओबीसी वर्ग के लोगों के अंदर से शरीर में से गंदी बदबू आती है, उनको एलर्जी है ओबीसी वर्ग के लोगों को, के बारे में भी उनकी ओपिनियन है। देश का दुर्भाग्य है कि यही लोग आरएसएस को सबसे ज्यादा चंदा देते हैं और नागपुर के लोगों द्वारा डोमिनेट करने वाली उस संस्था पर, वो संस्था जो है, जो नागपुर के लोग जो डोमिनेट करते हैं, वो मौज कर रही है इनके चंदे पर। ये कभी नहीं चाहते, नागपुर की संस्था कभी नहीं चाहती कि उत्तर भारत का कोई सरसंचालक हो जाए, कभी नहीं चाहेगी, बताओ, अब कोई बता दे। अब मैं आता हूं आपके लिए, एक सवाल मैं बीच में आ गया दिमाग में, मुझसे कई लोगों ने पूछा, आज सुबह एक बहुत बड़े प्रभावशाली क्षत्रिय नेता हैं, भाजपा के मेरे मित्र हैं, उनका फोन आया, चूंकि वो नाम नहीं लूंगा, व्यक्तिगत बातें थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी, आपको पता है कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्षत्रियों से क्यों नाराज हो गई है, 100-150 जो टिकट काटे गए उसमें 80 टिकट क्षत्रियों के काट दिए गए हैं। अच्छा, फिर मैंने एनालिसिस किया, मेरठ और मुरादाबाद, बिजनौर, इस इलाके में हमेशा पहले 7-8 MP ठाकुर हुआ करते थे, ये उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री सरकार बनती थी 5-6-7-8 कैबिनेट मिनिस्टर क्षत्रिय होते थे, योगी सरकार में सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्टर क्षत्रिय है, और पूरा मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इस मंडल में जहाँ पे 7-8 MP ठाकुर होते थे, एक भी ठाकुर को टिकट नहीं है। गाजियाबाद से वीके सिंह हुआ करते थे, वीके सिंह का टिकट काट दिया गया, जिन अतुल गर्ग को दिया गया, कल वीडियो वायरल हो रहा है, उनकी पिटाई हो गई, सोचिए भाजपा के प्रत्याशी की पिटाई हो गई, और वहां के क्षत्रिय खुल के इस बार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, सूचनाएं आ रही हैं, तो भाजपा का क्षत्रियों से क्यों दुराव हो गया, क्या कारण है उसका? भाई देखो, सूर्य इनका पीड़ित है,
सूर्य इनका वक्री मंगल से पीड़ित है ये, तो ये कभी भी ताकतवर कौम को ये झेल नहीं सकते दोनों के लोग, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि नरेंद्र मोदी जी बाई इनसाइड बहुत डरपोक किस्म के व्यक्ति है, दोनों के दोनों बहुत डरपोक हैं। और आपको एक जानकारी बता देता हूँ, अभी मैं चर्चा करूंगा इनकी वर्षफल की, क्योंकि 6 अप्रैल आने वाली है। हमारा से छुट्टियों से क्या मतलब इनका, मतलब क्या विरोध की? अगर आपकी आपकी कुंडली में अगर सूर्य पीड़ित होगा तो आप आपको छत्रियों के साथ आपकी कभी भी बैलेंसिंग अच्छी नहीं होगी। तो इनका पीड़ित है, पीड़ित है, पीड़ित है, मतलब मोदी जी की आपकी दृष्टि से मंगल से पीड़ित हो रहा है, तो इसलिए इनकी छत्रियों से कभी तालमेल अच्छा बनेगा नहीं। आप देखिए राजनाथ सिंह को इन्होंने वजूद खत्म कर दिया। राजनाथ जी उस समय पार्टी प्रेसिडेंट थे जब जो मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री बने, तो मुझे याद है कि जो आज इनके राज्यसभा के सांसद बने हुए हैं जो राजनाथ जी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, तो वो मेरी तरह इंजीनियर है वो भी, उन्होंने मुझे ये कहा था कि मोदी जी ने पैसा देने से मना कर दिया है, तो राजनाथ जी के लिए मुश्किल होगा था, तब जाकर नाक रगड़नी पड़ी क्योंकि फंड नहीं था इनके पास 2014 का चुनाव लड़ने के लिए, वही क्षेत्रीय वाले। और ये उस समय जबकि वो प्रवक्ता महोदय जो राजनाथ जी के पॉलिटिकल एडवाइजर है वो ये कहते थे कि राजनाथ जी के, जब मैंने कहा कि भाई आपकी बीजेपी की कुंडली में 10वें घर में बैठे सूर्य की महादशा शुरू हो रही है, भाजपा को जो सत्ता मिली है वो सूर्य की महादशा में मिली है, 10वें घर में बैठा है, तो सूर्य जो है तो उस नाते वो उन सज्जन को भी ज्योतिष आती है, तो वो मुझे कहने लगे कि भाई इसका मतलब क्षत्रिय हमारे राजनाथ जी हैं, तो राजनाथ जी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो राजनाथ जी का तो दूर दूर तक पता नहीं, अब राजनाथ जी को तो क्या हालत हो चुकी है, अब देश सारा देख रहा है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ के भी पर कतरने की कोशिश दिल्ली करती है। बिल्कुल मान के चले योगी आदित्यनाथ को कभी भी नहीं करेंगे, और ये किसी भी ओबीसी को भी नहीं आगे। देखिए मूलतः मैं बता दूं, ये गलत भ्रम फैलाया गया, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। मोदी जी मूलतः जो गुजरात के लोग बताते हैं वो वैश्य कम्युनिटी व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं, और अमित शाह भी व्यापारी वर्ग से ही आते हैं, दोनों तो यानी वो बात उनकी ठीक है कि छत्रियों को टिकट इसलिए काटे गए क्योंकि सूर्य को यानी तेज ऊंची जाति में भी तेज जाति मानी जाती है छत्रिय, उसको मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए बड़ी संख्या में टिकट काट दिए गए। और इसीलिए देखिए अरविंद केजरीवाल नॉर्थन इंडिया में बहुत पॉपुलर आप तो इंटरनेशनल, क्योंकि इसका कारण है भाई अरविंद केजरीवाल आईआईटीयन है, और आपको पता विश्व के सारे देशों में सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन पे जितनी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उसमें आईआईटी के लोग बहुत हैं, बड़ी पावरफुल लॉबी है आईआईटीएंस की। तो अरे राजीव जी आपके आपके रेफरेंस से मेरी बात हुई थी, एक आईआईटीएन है रवि जी, उनसे उन्होंने पूरे दुनिया के इतने शानदार शख्स हैं वो, उनके पास बैठो तो बस लोग करता रहता, उनकी बातें सुनते रहो, आईआईटी के हैं, और मैं तो मोबाइल बंद कर देता हूँ, 2-2.5 घंटे कब भी जाते मुझे पता नहीं चलता भाई। वो प्रेसिडेंट रहे आईआईटी एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे वो, हाँ, और पूरी दुनिया में अमेरिका में लंदन में जहां जहां आईटीएंस हैं वो सब उनसे जुड़े हुए हैं, मतलब क्या शानदार है आईटी वाकई में जीरो का। अरविंद केजरीवाल से नफरत करने का मोदी शाह का कारण क्या है भाई? एक तो टॉप मोस्ट ब्रेन, दूसरा बात वो ब्यूरोक्रेट, तो उसके पास जो पब्लिक पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट वे में और फेयर वे में जो इंप्लीमेंट करने का जो उसके पास दिमाग है वो इन लोगों के पास नहीं है। इन्होंने तो ये पैसा कमाने आया, मुझे याद है 2014 में जब मोदी जी आए थे तो इलेक्शन से पहले वो कहते थे भाई हम लोग गुजराती लोग हैं, हमारा काम तो धंधा है, तो वो उन्होंने एग्जैक्टली राजनीति को धंधा बना दिया कि एमएलए भी खरीद रहे हैं सब कुछ उन्होंने, और ब्यूरोक्रेट भी खरीद लिया है सब कुछ कर लिया, तो पैसे का गेम, तो इसीलिए 10 साल में पैसा 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 पूरी तरह फैल गया। अब मरने दीजिए इनको, काल दंड देगा। मैं बहुत अच्छा वो जो आपने मुझसे कहा था फिलोसफी वाला बात, मुझे एक मिनट के बाद बताऊंगा आपको। मैं पढ़ता था तो मुझे एक दर्शन बहुत चौंकाता था, चारवाक दर्शन। उसका सिद्धांत ये था कि कोई भरोसा नहीं, जिंदगी दोबारा मिले नहीं मिले, जितना उधार ले लेके घी पी सकते हो उतना उधार ले लेके घी परो, जिंदगी को पूरा एंजॉय करो। तो मुझे दर्शन बड़ा मजेदार लगता था, लेकिन आज के संदर्भ में मैंने ये देखा मोदी जी को भी शायद चारवाक दर्शन पसंद आया हुआ, क्योंकि भारत पे जितना कर्जा भारत ने आजादी के बाद से 2014 तक नहीं लिया हुआ उससे कई गुना कर्जा हमारा अभी मोदी जी ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में ले लिया। हम इतने भारी कर्जदार हो गए हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो चारवाक दर्शन में जो सिद्धांत है ना कि उधार ले लेके ऋण ले लेके घी पियो, तो मोदी जी भी चारवाक दर्शन को ही मानते। मैंने पढ़ा था फिलोसफी में तो मुझे याद आया एक बार जी। मुझे शेरो शायरी तो आती नहीं है, लेकिन मैं छोटी सी कोट कहीं से मिला था तो मैं पढ़ना चाहूंगा, मोदी जी जरूर सुने उसको। मोदी जी से प्रार्थना है, घमंड ना करो अपने रूप और पद का, क्योंकि मोर उसके पंखों का बोझ ही उसे ऊंचा नहीं उड़ने देता। मोर को अपने पंखों पर घमंड होता है, वो इसीलिए ऊंचा नहीं उड़ पाता। तो मोदी जी याद रखिएगा। अब आप बताइए, वो बिल गेट्स को लेकर के बैठ गए, उसको इंटरव्यू ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोदी जी का खुद का इंटेलिजेंस डाउटफुल है, और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लेक्चर दे रहे हैं। आपको दर्शकों को बता देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली डाटा साइंस पर काम कर रहा है,
जो डाटा साइंस है, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोर्स है। इसमें सारा डेटा आपकी 84 लाख योनियों, 84 लाख जो बर्थ होते हैं उसकी स्मृतियां इसमें स्टोर्ड हैं। और जो कॉन्शियस माइंड है, मैंने आपके प्रोग्राम में पीछे बताया था 88% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है और केवल 12% कॉन्शियस माइंड है, जो चेतना जिसको कहते हो, तो वो कॉन्शियसनेस उसको लेके आती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग समझने जानने वाले लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी भी मेरे से सुन ले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस पर काम करती है, मतलब स्टोर्ड मेमोरीज पर काम करती है। तो एक ही तरह की पैटर्न की चीजें आने लगेंगी। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, आपने मुल्तानी मिट्टी बेचनी है, और मुल्तानी मिट्टी की बजाय अगर आपने नाली की कीचड़ ले लो, उसमें पीला रंग मिलाकर मुल्तानी मिट्टी बेच करके उसके खूब एडवर्टाइजमेंट करो, तो लगातार जब दर्शक हमारे उस तरह का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो वो कीचड़ वाली मिट्टी को मुल्तानी मिट्टी समझ के लगाने लगेंगे। मतलब उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, परसेप्शन पर काम करती है ये। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल इंटेलिजेंस का कभी भी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि नेचुरल इंटेलिजेंस में कॉन्शियसनेस 12% होती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है। AI के पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कॉन्शियसनेस है ही नहीं, वो तो डेड चीज है, डेड। तो इसलिए ह्यूमन माइंड को कोई भी कंपेयर नहीं कर सकते। अब मैं आता हूं बहुत अच्छे विषय पर। ये भैया दो हॉरोस्कोप है दर्शकों के लिए आज मैं लेके आया हूँ, कुछ कुछ सिमिलरिटीज थी, दोनों अच्छे इंसान हैं और अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। एक राहुल गांधी है, एक अरविंद केजरीवाल है। ठीक बात, मतलब दोनों आसपास एज के हैं, एक का 1968 का जन्म है 16 अगस्त का, दूसरा का 19 जून 70 का है, मतलब राहुल गांधी दो साल छोटे हैं। तो मैं एक सिमिलरिटी बताता हूं कि दर्शकों को चाहिए, कहां आप मोदी के भक्त बने पड़े हो जिनके पास कोई वजूद नहीं, अपना ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, और आप पगला गए हो उसमें, वो तो फिल्मी, और वो अगर उनका भगवान ने अच्छा चेहरा दिया होता ना संजय जी, तो वो एक्टर हो जाते, वो तो भगवान ने चेहरा अच्छा नहीं दिया। चेहरा अच्छा है, इतना चमकता हुआ चेहरा है उनका। नहीं, वो चमकता हुआ तो चेहरा है, लेकिन वो मुझे केएन सिंह जो होता था एक विलेन, या वो अमरीश पुरी होता था, उस तरह के ज्यादा नजर आते हैं। महाराज महाराज, तो मैं आपको बता कि जो है इसमें जो है अरविंद केजरीवाल और इनके कुंडली में क्या अच्छे योग हैं, क्यों अच्छे ये नेता साबित होंगे देश के लिए। वो सवाल ले गया क्या केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं? वही मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की कुंडली में कुछ सिमिलरिटीज मुझे मिली, वो मैं सिमिलरिटीज लोगों को बात बताना चाहूँ, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि मोदी जी तो 75 साल के बूढ़े हो गए, बुढ़ा गए ये 50 साल की एज वाली जो फ्यूचर है भारत का, वो इन लीडरशिप में आना चाहिए। और आपका अखिलेश भी 70-72 के आसपास ही है, प्रियंका भी 72 की, अखिलेश 72 के हैं और प्रियंका भी 72 के हैं। तो देखिए 1972, हाँ 1972 का। तो दर्शक सुने, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के ज्योतिषीय क्वालिटीज क्या है उनकी कुंडली में। अरविंद के लगन में भी विवेक, न्याय, धर्म, संस्कृति का कारक बृहस्पति है। अरविंद केजरीवाल की कुंडली में अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। उसकी कुंडली में 3-3 भारतीय वैदिक ज्योतिष में 3.5 ग्रह शुभ ग्रह हैं, उसमें 3 ग्रह भाई साहब उसके लगन में बैठे हैं। उस आदमी को तुम जेल में डाल के बैठे हो, वो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता कभी, मरते दम तक उसके प्राण निकल जाएंगे, वो भ्रष्टाचार कभी नहीं करेगा, वो जहर खा लेगा लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ये दर्शक मेरी बात सुने, क्योंकि बहुत सारे आप पार्टी के लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए बड़े भाई समान हूं, मैं सत्य आपके लिए सामने बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल सुसाइड कर देगा लेकिन कभी ब्लैक का मनी का हेरफेर नहीं कर सकता। तो इनके अरविंद के लगन में विवेक, न्याय, धर्म, संस्कृति का कारक बृहस्पति है, और राहुल गांधी की कुंडली में भी बृहस्पति लगन में ही है। मजे की बात देखो, तो सिमिलरिटी देखो कि दोनों, इसीलिए देखो दोनों के अंदर कितने ट्रांसपेरेंट है ये, मतलब छल कपट दूर दूर तक है ही नहीं, होगा ही नहीं। इनके लगन में सभी शुभ ग्रह विराजमान है, अरविंद की बात कर रहा हूं। मन का कारक चंद्र शनि के साथ दया, करुणा, न्याय, नैतिकता के भाव में एक पूर्ण डिटैचमेंट योगी का योग बना रहा है। अरविंद केजरीवाल बेसिकली संसारी जीवन जीते हुए एक योगी का व्यक्तित्व है, इसीलिए उसके कपड़े पहनने का तौर तरीका देखो, वो साधारण रहता है। वरना आप सोचिए कि एक मिडिल क्लास के लिए सपना होता है IAS बनना, IAS, IPS, IRS बनना, IIT में सिलेक्शन होना, उन सब चीजों को उस व्यक्ति ने पाया और वो आपकी सेवा करने के लिए वो आ गया। मुझे याद है कि जब वो आंदोलन में आए थे, जब वो RTI एक्टिविस्ट थे, तो झुग्गी झोंपड़ियों में भी रहे हैं वो, मुझे पता है, मैंने अखबारों में पढ़ा है कहीं, उनकी पीड़ा जानने के लिए झुग्गी झोंपड़ियों में रहे हैं वो।
और अपने अपने आप वो कंधे मतलब खंभे पे चढ़ के बिजली का मीटर मीटर जाने क्या करते थे उन्होंने किया था। और ये डिटैचमेंट बैराग का योगी बना रहा, इनकी वर्किंग सदैव फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रहेगी। अब मैं राहुल गांधी के गुण बता देता हूं, गुरु का तो लिख बता दिया, गुरु उसके भी लगन में है। राहुल गांधी एक प्योर सोल एंड क्रिस्टल क्लियर माइंड के स्वामी है। राहुल गांधी बेसिकली आत्मा और मन से एक शुद्ध जो है विशुद्ध आत्मा व्यक्तित्व तो कहते हैं वो राहुल गांधी है। इनका लग्ने शुक्र कर्म भाव में यानी दसवां भाव होता है बैठकर राजयोग बना रहा है इनका शुक्र जो है, इसीलिए इस व्यक्ति को फेम मिल रहा है। वर्ल्ड में राहुल गांधी हमेशा फेमस रहेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा ज्योतिष का कॉम्बिनेशन है। लग्नेश अगर दसम भाव में हो तो फेम के लिए सर्वोत्तम योग माना गया है। आप इसमें इन दोनों में एक चीज सवाल वो बार बार रह जा रहा है, इन दोनों का क्या प्रधानमंत्री बनने का योग है, राहुल गांधी का या केजरीवाल का, ये जरूर बताइएगा। अतः ये भी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वर्किंग में सदैव विश्वास करते हैं और कार्य करते रहेंगे, ये राहुल गांधी के लिए कहा। तो देखिए दशा दिशा डिसाइड करती है, समय क्या होता है, योग तो देखिए दोनों की कुंडली में है। जैसे राहुल गांधी की कुंडली में भी राजयोग है, अरविंद केजरीवाल की कुंडली में भी पंचमेश पंचम घर का स्वामी सिंह लगन है ना उनका, लगन में बैठा हुआ है तो वो राजयोग बना रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ज्यादा अच्छा है क्योंकि उनकी टाइमिंग ज्यादा अच्छी है इस समय बजाय राहुल गांधी के, क्योंकि राहुल गांधी की कुंडली में जब तक शुक्र की दशा ना आए तब तक शुक्र की दशा आएगी तो 100% वो भी प्रधानमंत्री पद का उनकी पास योग है। दोनों की कुंडली में राजयोग है, चूंकि अरविंद केजरीवाल की शनि की दशा अभी शुरू हो गई है, 22 मार्च है, 21 को वो अरेस्ट होते हैं, 22 को उनकी दशा शुरू हो गई है। तो आप देखो मतलब के उसके लिए तैयार हो गया, ये जो जेल में भेजा गया है ये उसको एक बड़ा बड़ा हस्ती बना दिया बीजेपी ने, जो कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने का योग चल रहा है। चलते चलते मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये श्रीमद भागवत देख लें भगवान ये, कि इसमें जो कहा गया कि जिस देश का राजा अहंकारी धोखेबाज छल कपट करने वाला उस देश की प्रजा जो है हमेशा कष्ट पाती है। पुतिन को देख लो किस तरह से उसने चुनाव जीता, 200 से ज्यादा लोग मरे, आतंकवादी घटना हुई वहां पर, और चंद पागलों ने पूरे दुनिया को बर्बाद कर रखा। चंद पागल जो है, एक पुतिन है, एक जीपिंग है, एक नेतन्याहू है, एक ट्रंप है, आप सोचिए कि। और अंधभक्तों को एक और अंधभक्तों की गलतफहमी दूर कर देता हूं, संजय जी आज के प्रोग्राम में लंबा जरूर हो रहा है, अंधभक्तों सुन लो, तुम बहुत भारत पाकिस्तान करते फिरते हो। आज यूक्रेन और रूस के वॉर के बाद, इसराइल और हमास के वॉर के बाद, आज दुनिया का कोई देश क्लेम नहीं कर सकता किसी देश के साथ युद्ध में जीत को। कि आप देखिए 2 बरस हो गए, रूस अभी तक यूक्रेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया और नेतन्याहू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, 60,000 से ज्यादा निर्दोष मार दिए, जान से मार दिए निर्दोष, और पूरा फिलिस्तीन भुखमरी से मर रहा, गाजा पट्टी में लोग बेचारे परेशान है, यूनाइटेड नेशन से राहत पहुंच नहीं पा रही है, उसके बावजूद भी हमास को वो अभी तक खत्म नहीं कर पाया, और अपने होस्टेज अपने जो अपहरण करता था अपहरण किया हुआ लोग थे उनको तो आज तक नहीं छुड़ा पाया। तो ये गलत फहमी निकाल दो कि तुम पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ पाओगे, अरे भाई ये दुनिया सुख शांति के लिए बनी है, एक ही बार जीवन मिला है, एक ही बार तुम्हारा नहीं युद्ध करना, क्यों किसी से तनाव प्यार करो, अच्छे से रहो। अगर बीमारी नहीं है ये कोई स्वास्थ्य नहीं है, मेंटली फिजिकली सोशली स्पिरिचुअली ये आप हेल्दी होना चाहिए। तो आज एक प्रवाह था कि एक ओबेसिटी के ऊपर एक आर्टिकल आया था मोटापे के ऊपर, तो मैं आप बताना चाहता हूं वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति विस्तार का कारक है। अगर किसी के लगन में बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, लगन चंद्र पर सूर्य पर, तो वो उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी जरूर रहेगी, उसके क्या नाम है आपके मोटापे की। तो इंडिया इज इन ए पिक्यूलियर फेज ऑफ ग्रोथ, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी आर बोथ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। हमारी भारत की ए स्टडी शोज अराउंड 12.5 मिलियन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स वर ओबीज इन 2022। 12.5 मिलियन लोग मोटापे से 2022 में पीड़ित हैं, जबकि ये 0.4 मिलियन होता था 1990 में। ओबेसिटी इज लिंक्ड टू हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, टाइप 2 डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड बैड स्लीप। आपको पता है वो सतीश कौशिक होते थे,
वो उनका इतना मोटा पेट निकला हुआ था, वो सांस बंद होने से मर गए। तो जितने लोग मोटे होते हैं उनको खर्राटे की और सांस लेने की भी तकलीफ होती है उनका ब्रेथ, क्योंकि देखिए हमेशा जो हेल्दी ब्रीदिंग कही गई, मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा है, वो स्टमक से ब्रीदिंग होनी चाहिए। अब अगर आपके पेट आगे बढ़ जाएगा तो वेट उसके सामने आ गया तो आपका स्टमक मूव नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों की टेंडेंसी हो जाती है, मोटे लोग कैसे सांस लेते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग करवा के देखा, देखो कैसे लेंगे संजय जी, कंधे ऊपर कर लेते हैं, ये छोटा सांस है, इसमें पूरे लंग्स नहीं भर पाते हैं, तो इसलिए इस तरह के सांसों को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि द चेंजिंग, अब ये क्यों होता है, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फूड जॉब्स लाइफ स्टाइल हैज कॉज ओबेसिटी टू ग्रो, नाउ वर्क फ्रॉम होम कल्चर इज ऑल्सो वर्किंग एज कैटलिस्ट फॉर दिस। जो वर्क फ्रॉम होम है इसमें भी लोग मोटे होते चले जाएंगे क्योंकि एक्टिविटी बंद है। अर्बनाइजेशन, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, लग्जरी एंड कम्फर्ट्स, पैकेज फूड विच आर एसिडिक इन नेचर, नो फिजिकल वर्कआउट, बैड पॉस्चर एंड मोर स्क्रीन टाइम ऑन फोन एंड टीवी आर, और हमारी गट की हेल्थ, जो हमारी इंटेस्टाइन है, आपको पता है पूरी एंटायर वर्ल्ड जो है वेस्टर्न वर्ल्ड जो है कोलाइटिस की बीमारी से पीड़ित है, जो बड़ी आंत की सूजन और उसमें अल्सर हो जाते हैं, ये सब इसी के कारण है क्योंकि हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो चुकी है। तो क्या करें, जो मैंने हर प्रोग्राम में कहा है आपको कि भाई आप पूरा प्राण लेने का अभ्यास करिए, 20-25 बार रोज करिए, क्योंकि आप लुक एट मी, मैं संजय जी आपसे बड़ा हूं और 2-4-5 साल ज्यादा ही बड़ा हूं, उसके बावजूद आप देखिए मेरे पास फैट नहीं है। याद रखिएगा उन योगा टीचर्स को देखिए जो योग सिखाते होंगे, उनके शरीर स्लिम ट्रिम मिलेंगे। तो जो पूरा प्राण है वो आपके अंदर बॉडी में ब्लड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को डिजोल्व करता है, जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो आपको डिजोल्व कर देगा, आपको पतला बनाएगा, अगर आप पूरा प्राण लेने की हैबिट हो जाएगी। चलते चलते भगवान हनुमान जी की प्रार्थना, तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे, ये वेद के रूप में, अंत काल रघुवरपुर जाई ना जन्म हरि भक्त पाई, और देवता चित्त न धरई हनुमत सब करई, जय श्री राम जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू। तो ये राजीव जी आपको मजा आया होगा इंट्रोडक्शन के, मैंने कहा भी आज तो आप नेताओं की तरह बोल रहे हैं, मुस्कुरा दिए, वो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं, आज तक मिले नहीं हम लोग उनसे। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा, बताइएगा जरूर कैसा लगा इंटरव्यू। शुक्रिया, थैंक यू।